हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की लेसन में हम लोग सोर्सेस ऑफ वाटर के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, ये लेसन आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वीडियो को अंत तक देखिए। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को ज़रूर एक लाइक कीजिए एंड दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। दोस्तों, अगर आप लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए एंड नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। सो फ्रेंड्स, सोर्सेस ऑफ वाटर को हम लोग टू टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है सरफेस सोर्स। सो फ्रेंड्स, अगर हम लोगों को वाटर जमी के ऊपर से मिलता है तब हम लोग इसको कहेंगे सरफेस सोर्सेस। अब फ्रेंड्स, अगर वाटर हम लोगों को जमी के अंदर से मिलता है तब हम इस टाइप ऑफ सोर्स को कहेंगे सब सरफेस सोर्स। ओके, सो फ्रेंड्स, पहला सरफेस सोर्स है देखिए लेक्स एंड पॉन्ड्स, दूसरा है सीज एंड ओशियंस, तीसरा है रिवर्स, चौथा है रिजर्वायर्स। सो फ्रेंड्स, ये है आपका सरफेस सोर्सेस। अब फ्रेंड्स, सरफेस सोर्सेस की पहला एग्जांपल है देखिए स्प्रिंग। ओके, दूसरा है इन्फिल्ट्रेशन ऑयल, तीसरा है इन्फिल्ट्रेशन गैलरीज एंड चौथा है बोर होल्स। ओके, सो फ्रेंड्स, ये है आपका सब सरफेस सोर्सेस की एग्जांपल्स। अब फ्रेंड्स देखिए, जो सरफेस सोर्सेस है, सरफेस सोर्स, ओके, सो फ्रेंड्स, जो सरफेस सोर्सेस है इसमें सस्पेंडेड पार्टिकल्स प्रेजेंट होता है। ओके, सस्पेंडेड पार्टिकल्स का डायमीटर होता है 10^-4 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा, मतलब ये पार्टिकल का साइज ज़्यादा होता है। सो फ्रेंड्स, सस्पेंडेड पार्टिकल्स प्रेजेंट रहता है इसलिए देखिए जो सरफेस सोर्सेस है इसका वाटर की जो अपीयरेंस है वो ये उतना अच्छा नहीं है, नॉट गुड इन अपीयरेंस। ओके, अब दोस्तों बात करते हैं सब सरफेस सोर्स। सो फ्रेंड्स, जो सब सरफेस सोर्स है इसका जो वाटर है इसमें सस्पेंडेड पार्टिकल्स नहीं प्रेजेंट होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना है। तो इसमें प्रेजेंट होता है देखिए डिजॉल्व सॉलिड्स। ओके, सो फ्रेंड्स, इसका डायमीटर बहुत ही कम है, 10^-8 सेंटीमीटर से भी कम है इनका डायमीटर। फ्रेंड्स, सब सरफेस सोर्सेस में जो वाटर है इसका अपीयरेंस भी आपका अच्छा होता है। ओके, क्लियर इन अपीयरेंस। ओके, अब दोस्तों पहला सोर्स लेक्स एंड पॉन्ड्स, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। सो फ्रेंड्स, लेक्स एंड पॉन्ड्स क्या होता है, अर्थ सरफेस में देखिए जो लो लाइंग एरियाज है इन लो लाइंग एरियाज में आपका वाटर जम जाता है। ओके, तो इसके वजह से आपका पॉन्ड्स और लेक्स बनता है। ओके, सो फ्रेंड्स, इस पॉन्ड्स एंड जो लेक्स होता है इसमें वाटर स्टैग्नेंट होता है, मतलब देखिए वाटर मूव नहीं कर रहा है। तो फ्रेंड्स, इसके वजह से देखिए इसमें एल्गी फंगी एट्सेट्रा देखने को मिलता है। सो फ्रेंड्स, लेक्स एंड पॉन्ड्स की वाटर को तो हम लोग यूज कर सकते हैं, बट यूज करने से पहले हम लोगों को इसको ट्रीटमेंट करना पड़ता है। ओके फ्रेंड्स, सेकेंड सरफेस सोर्सेस है देखिए रिवर। सो फ्रेंड्स, एक प्राइमरी सोर्स है वाटर का इंडिया में, ज़्यादातर जो सोर्स है वो है आपका रिवर्स। फ्रेंड्स, जो रिवर्स होता है इसमें वाटर आपका मूविंग होता है। सो फ्रेंड्स, इसमें एक प्रॉपर्टी होता है सेल्फ क्लींजिंग प्रॉपर्टी। ओके, सो फ्रेंड्स, जैसे ही आपका रिवर मूव करता है, अगर मान लेते हैं यहाँ
आपका पॉल्यूटेंट रिवर के वाटर के साथ मिक्स हो रहा है। तो फ्रेंड्स कुछ डिस्टेंस जाने के बाद रिवर खुद से ही इस पॉल्यूटेंट को रिमूव कर सकता है, इसको हम लोग कह रहे हैं सेल्फ क्लींजिंग प्रॉपर्टी। सो फ्रेंड्स ये है आपका गुड सोर्सेस ऑफ वाटर। फ्रेंड्स इसके बाद हम लोग बात करते हैं सीज एंड ओशियंस के बारे में। फ्रेंड्स इसमें ह्यूज क्वांटिटी ऑफ वाटर प्रेजेंट रहता है, कह सकते हैं अर्थ का जो मैक्सिमम वाटर है वो आपका सीज में प्रेजेंट होता है। बट देखिए इसमें जो वाटर है ये है आपका सलाइन वाटर, तो इसको हम लोग ड्रिंकिंग पर्पस में यूज नहीं कर सकते हैं, तो इसके लिए ज़रूरत होता है ट्रीटमेंट। अब दोस्तों सी वाटर को ट्रीटमेंट के लिए जो कॉस्ट आता है वो होता है वेरी हाई कॉस्ट। ओके फ्रेंड्स सी वाटर का जो ट्रीटमेंट प्रोसेस होता है तो इसको हम लोग कहते हैं डीसेलिनेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, बहुत बार पूछा आता है डीसेलिनेशन क्या है। तो इसके अंदर आता है जैसे देखिए रिवर्स ऑस्मोसिस, यूवी ट्रीटमेंट, एंड इसके अंदर आता है इलेक्ट्रो डायलिसिस। ओके सो फ्रेंड्स ये है देखिए डीसेलिनेशन प्रोसेस। फ्रेंड्स अगला सरफेस सोर्स है देखिए रिजर्वायर्स। ओके फ्रेंड्स जो रिजर्वायर होता है तो ये आपका गुड क्वालिटी ऑफ वाटर की सोर्स होता है, बट इसको हम लोग ह्यूज सिटी के लिए हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं। ओके सो फ्रेंड्स इसके बाद हम लोग बात करते हैं सब सरफेस सोर्स की। सो सब सरफेस सोर्स में पहला है देखिए स्प्रिंग्स। सो फ्रेंड्स स्प्रिंग एक नेचुरल सब सरफेस सोर्स ऑफ वाटर है, तो इसमें देखिए जो वाटर होता है वो जमीन के अंदर अंडर प्रेशर रहता है। ओके अब फ्रेंड्स जैसे ही एक नैरो पाथ इसको मिलता है बाहर निकलने के लिए, तो जो वाटर प्रेशर में था तो इस नैरो पाथ से बाहर आना स्टार्ट कर देता है। ओके तो ये है आपका स्प्रिंग। सो फ्रेंड्स स्प्रिंग से जो वाटर हम लोगों को मिलता है इसका क्वालिटी बहुत ही अच्छा होता है। ओके फ्रेंड्स इसके बाद हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट सब सरफेस सोर्स है आपका इनफिल्ट्रेशन गैलरी। सो फ्रेंड्स इनफिल्ट्रेशन गैलरीज में क्या होता है देखिए, ये मान लेते हैं एक डैम है और रिवर है। अब इसके जो नीचे की जो पार्ट है तो यहाँ से देखिए वाटर आपका सिप करता है जमीन के अंदर, और नीचे है देखिए वाटर टेबल। अब दोस्तों ये जो लॉस हो रहा है इस वाटर को कलेक्ट करने के लिए हम लोग वाटर टेबल के ऊपर एंड जो डैम की जो लोअर सरफेस है इसके बीच में हम लोग एक कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, तो इसको हम लोग कह रहे हैं इन्फिल्ट्रेशन गैलरी। वाटर सिप करके इसके अंदर आके जमा होना स्टार्ट कर देता है, और यहाँ से हम लोग एक पाइप के सहारे और पंप के सहारे हम लोग वाटर को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स ये भी है एक सब सरफेस सोर्स, बट इसको हम लोग लार्ज पॉपुलेशन के लिए यूज नहीं कर सकते हैं। फ्रेंड्स इसके बाद हम लोग बात करते हैं इनफिल्ट्रेशन ऑयल्स। फ्रेंड्स इनफिल्ट्रेशन ऑयल में क्या होता है देखिए, ये मान लीजिए एक रिवर है, तो यहाँ से आपका वाटर सिप कर रहा है। सो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए हम लोग एक वर्टिकली ऑयल क्रिएट करेंगे जो पीसीसी आरसीसी एंड ब्रिक से बनाया हुआ है। अब दोस्तों इसके नीचे से वाटर सिप करके इसके अंदर एंटर करता है और वाटर इसके अंदर धीरे धीरे जमा होना स्टार्ट होता है। तो ये फ्रेंड्स देखिए इनफिल्ट्रेशन ऑयल। दोस्तों अगर हम लोग इसको प्लान व्यू में देखेंगे तो हम लोग इसको सीरीज में लगा के रखते हैं, 3, 4, 5 ऐसे हम लोग सीरीज में लगा के रखते हैं। फ्रेंड्स अब इनको हम लोग एक बड़े ऑयल से कनेक्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स ये है देखिए इनफिल्ट्रेशन ऑयल, और ये जो बड़ा वाला ऑयल है तो इसको हम लोग कह रहे हैं जैक ऑयल। अब फ्रेंड्स इस जैक ऑयल से हम लोग वाटर को कलेक्ट करते हैं, तो ये भी है एक सब सरफेस सोर्स ऑफ वाटर, बट हम लोग इसको भी ह्यूज को पॉपुलेशन के लिए यूज नहीं कर सकते हैं। ओके सो फ्रेंड्स होप आप लोगों को सोर्सेस ऑफ वाटर के बारे में क्लियर हुआ होगा। फ्रेंड्स अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को ज़रूर एक लाइक, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए एंड नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। दोस्तों मिलते हैं अगले लेसन पर।